नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश कुमार, लव यू फन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि SGD कितने कौन क्या होती है, हार्डिक्स क्या होती है, हार्डिक्स कितने प्रकार की होती है, हार्डिक्स बनाने वाली कंपनियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा चौथा दिन है वीडियो का, जो स्टार्टिंग हुई है हार्डवेयर सीखने का उसका चौथा दिन है। ठीक है, तो हम चौथे दिन हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनियां अच्छे से समझाएंगे कौन कौन सी कंपनी बनाती है, हार्ड डिस्क के क्लियर बताएंगे कि आपको कितने प्रकार की होती है, कौन सा उनका सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है तो उसका बताएंगे हम, कितना डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जुड़े रहिए हमसे तो ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आपने टाइटल में देख लिया होगा आपको क्या सीखना है आज, तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज एन हार्डिक्स, हार्डिक्स के बारे में आपको टोटली सीखना है। तो हार्डिक्स क्या है, व्हाट इज़ एन हार्डिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डिक्स, हार्डिक्स कितने प्रकार की होती है, हार्डिक्स वेंडर्स, ठीक है, SGD बनाने वाली कंपनियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तीन क्वेश्चन हम सीखने वाले SGD यानी हार्डिक्स। ठीक है, SGD का फुल फॉर्म है हार्डिक्स ड्राइव। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, व्हाट इज़ एन हार्डिक्स। हार्डिक्स इज़ ए परमानेंटल स्टोरेज डिवाइस बेयर स्टोरेज डाटा इन मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ मीडिया। हार्डिक्स एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, बेयर स्टोरेज डाटा इन मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ मीडिया। जहाँ पे ये डाटा स्टोर करता है वो मैग्नेटिक का बना प्लेट, एक प्लेट होता है जिसपे सारा आपका डाटा स्टोर होता है। हार्डिक्स कभी भी आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे DVD की तरह एक प्लेट लगी होती है हार्डिक्स में, हार्डिक्स के अंदर, और उसके ऊपर एक रीड राइट करने का ऑप्शन होता है। तो रीड राइट करता है जो वहाँ पे रीड राइट करने का एक बनाया गया है, और प्लेटर पे कुछ सेक्टर्स बने होते हैं, सेक्टर डिफाइन पहले से किए जाते हैं। हम दिखाएंगे कि आपको कैसे सेक्टर बनते हैं और कैसे बने होते हैं, वो टोटली हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, बट अभी नहीं, आगे हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो अभी आप इतना देख लीजिए कि हार्ड डिस्क पे एक DVD राइटर लगा होता है, सॉरी हार्ड डिस्क पे एक राइटर लगा होता है जो रीड राइट करता है डाटा, और प्लेटर पे डाटा स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं ओपन होने के बाद हार्ड डिस्क दिखती कैसे है। ठीक है, ब्राउज़र हम ओपन करते हैं, नेट स्लो चल रहा है, SGD ओपन SGD लिखते हैं ना, ओपन SGD, पिक इमेज कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कोई भी एक हार्ड डिस्क उठा लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये प्लेटर होता है, ठीक है, इसी पे आपका डाटा स्टोर होता है। ठीक, और ये जो है ये रीड राइट करने के लिए लगा है। ठीक, ये डाटा को रीड और राइट करता है, ये आपको डाटा पढ़ के आपको यहाँ से सीधा साटा केबल के थ्रू मदरबोर्ड पे भेजता है, मदरबोर्ड अपना सारा जो भी उसका प्रोसेस है वो अपना करके BGA केबल के थ्रू आपको स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, तो आपने हार्ड डिस्क देख लिया ओपन में कैसे दिख रही है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए उस चीज़ की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, पाटा एंड साटा। पाटा मीन्स क्या, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा मीन्स सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जैसे कि इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो पाटा का होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा का सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, तो पाटा जो हार्ड डिस्क होती हैं उसमें कुछ कमियाँ थी, इस वजह से साटा को लाया गया। साटा के बाद SSD अभी चल रही है। ठीक है, तो अभी हम पाटा और साटा देखेंगे, तो पाटा में क्या डिफरेंट था और साटा में क्या डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ आपको। जो पाटा में कुछ कमी थी वो दूर करके साटा को बनाया गया। जैसे कि पाटा में कमी क्या थी, पाटा जो था वो 16 बिट डेटा ट्रांसमिट एट अ टाइम, एक समय में 16 बिट डाटा
एक्सचेंज करता था, आदान प्रदान करता था। इस वजह से कभी कभी क्या होता था कि कुछ फाइलें मिसिंग हो जाती थी या कुछ फाइल करप्ट हो जाती थी, ठीक है। और साटा में क्या कर दिया गया, साटा में वन बाय वन कर दिया गया डाटा ट्रांसमिशन, वन बाय वन, ठीक है। एक होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, ऐसा करता था, ठीक है। और उसके बाद पाटा में एक स्पीड थी, स्पीड कौन सी थी, 100 टू 133 एमबी पर सेकेंड पाटा की स्पीड थी। और साटा की स्पीड क्या है, 600 एमबी पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें इसमें बहुत डिफरेंट आ गया, इस पर स्पीड भी बढ़ा दिया गया और कुछ चेंजेस भी कर दिया गया, ठीक है, इसलिए साटा आ गया। तो देखिए हम डिफिनेशन देख लेते हैं, पाटा की डिफिनेशन क्या है, 16 बीट डाटा ट्रांसमिशन एट अ टाइम। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ से आप नोट करिएगा। व्हाट इज़ एन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस बेयर स्टोरेज डाटा एंड मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ मीडिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, पाटा एंड साटा। पाटा हार्ड डिस्क 16 बिट डाटा ट्रांसमिट एट अ टाइम। DTR जो इसका 100 टू 133 MB पर सेकेंड है। DTR और बैंडविड्थ आप कुछ भी बोल सकते हैं। DTR का फुल फॉर्म होता है डाटा ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। और SATA का हम देख लेते हैं, DTR यहाँ पे SATA का है डाटा ट्रांसमिशन 1/1। यहाँ पे क्या था, डाटा ट्रांसमिशन, सॉरी हाँ, 16 बिट डाटा ट्रांसमिशन एट अ टाइम, एक समय में 16 बिट डाटा ट्रांसमिट करता था, यहाँ पे 1/1 कर रहा है, ठीक है। और DTR जो इसका है, इसमें क्या 100 टू 133 थी, इसमें क्या हो गया 600 MB पर सेकंड हो गया। यहाँ पे 133 MB पर सेकंड था, यहाँ पे 600 MB पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो DTR का फुल फॉर्म क्या मैंने बताया, डाटा ट्रांसमिशन रेट। ये सब याद कर लीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, बट ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। SGD वेंडर हार्ड डिस्क बना, चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, SGD वेंडर्स। तो हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनियां, तो हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनियां हमने 5 लिखा है यहाँ पे, तो जो ज़्यादा अभी पॉपुलर है, 5 ही नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं, पर कुछ कंपनियां हमने यहाँ से सेलेक्ट करके निकाला है, जैसे कि जो ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइम, जो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि सीगेट हो गई, सैमसंग हो गई, WD हो गई, WD मतलब WD का फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न डिजिटल, ठीक है। और हिताची हो गई, तोशिबा हो गई। सीगेट के जो हार्ड डिस्क देखने को आपको मिलेगी, वो आप देख लीजिए पहचानेंगे कैसे। सीगेट सारे हार्ड डिस्क को वैसे नाम लिखा होता है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपके लिए इजीली हो जाए। कहाँ से आपको देखना है, यहाँ पे आपका सीगेट लिखा होगा, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं है, ये 1 TB हार्ड डिस्क है, कभी 500 GB की मिल सकती है, 500 GB की मिल सकती है, कभी 250 GB की मिल सकती है, कभी 2 TB की भी मिल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अपने सिस्टम में लगा रहे हैं या फिर सिस्टम में कितना लगा हुआ आपको मिला है, ठीक है। तो आप हार्ड डिस्क कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सैमसंग का देख लेते हैं हम लोग, सैमसंग हार्ड डिस्क क्या है, सैमसंग हार्ड डिस्क ऐसे दिखेगी, सैमसंग उस पर लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, सैमसंग लिखा है ना, ऐसे सारे हार्ड डिस्क में लिखा है, ये देखिए सारे हार्ड डिस्क में, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये इंटरनल हार्ड डिस्क है, ठीक है, सैमसंग हार्ड डिस्क में लिखा होगा। और WD हार्ड डिस्क आपको दिखाते हैं, WD हार्ड डिस्क कैसे दिखेगी, देख के ही आप पहचान जाएंगे सारे हार्ड डिस्क को, इजीली मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। WD ऐसे लोगों में होता है, ऐसे ही लोगो उसका रहेगा, यहाँ पे वेस्टर्न डिजिटल भी लिखा रहेगा, किसी किसी में WD भी लिखा रहता है, जैसे मैं आपको कहीं पे दिखा दूँ आपको वेस्टर्न डिजिटल कैसे ये जैसे लिखा है, ये वेस्टर्न डिजिटल, ठीक है, तो यहाँ पे WD लिखा है, ठीक। तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा ये WD। और हिताची देखते हैं, हिताची कंपनी जो बनाती है, ये कैसे अपना हार्ड डिस्क बनाती है, इसका मैं पेज दिखाता हूँ आपको, हार्ड डिस्क ये देखिए, GST लिखा होगा इसमें, हिताची वाले में, ठीक है, ये उनका लोगो है, ये देख लीजिए, ठीक है। किसी किसी में हिताची भी पूरा लिखा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप उससे तो इजीली समझ जाएंगे, पर ये भी जान लीजिएगा SGST लिखा है तो हिताची कंपनी है, ठीक है। अब तोशिबा देख लेते हैं, तोशिबा में क्या है, तोशिबा हार्ड डिस्क
का लोगो ये रहा, तोशिबा अधिक्स ऐसे दिखेगा, ठीक है। तोशिबा अधिक्स सब पे तोशिबा लिखा रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पे डेवोनस परेशान हो जाएगा कि 2 TB है, 1 TB है, 2 TB है। तो एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, वो 1 TB, 1 TB मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें 1024 GB मिलकर 1 TB बनती है। 1 TB है ना, 1 TB है, तो उसमें 1024 GB होती है। इसको ना पता हो ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 1 GB में 1024 MB होती है। सारी चीज़ में आपको डाउट क्लियर कराऊंगा, वन बाय वन करा रहा हूँ, फिर भी आप लिख जरूर लीजिए, ठीक है। क्या होता है इसमें, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 1 TB, 1 TB में 1 TB इक्वल 1024 GB, ठीक है, 1024 GB। और 1 GB, 1 GB इक्वल 1024 MB, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यानी 2 TB यानी इसका दोगुना, 1024 का दोगुना यानी 2048, 24 × 48, ठीक है जी, 2048। तो ठीक है, तो 1024 MB, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, चलिए ठीक है, बस इतना ही आज के। बस इस एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें और टेक्निकल से रिलेटेड सारी रहें, ठीक है। और कोशिश करता हूँ मैं न्यूज़ डालने की जो ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ होती हैं, क्योंकि वो आपको जानना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, इसलिए न्यूज़ डाल देता हूँ बीच में, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या रहेगी कि टेक्निकल पूरा आपको वन बाय वन सिखा रहे हैं, तो अभी हम टेक्निकल ही रिलेटेड सारे चीज़ सिखाएंगे, हार्डवेयर सिखा रहे हैं। तो हार्डवेयर जब ख़त्म करेंगे तो इसके बाद हम देखते हैं OS इंस्टॉल करें, आप लोगों के ऊपर है। अगर OS कहेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊँगा, अगर आप कहेंगे नेटवर्किंग पढ़ाने के लिए नेटवर्किंग पढ़ाऊँगा। बट मैं इसी दोनों में चीज़ में सोच रहा हूँ कि आपको OS पहले सिखा दूँ, कंप्यूटर चलाना पहले प्रॉपर सिखा दूँ, ठीक है। अभी ये बनाना आपको सिखा रहा हूँ, तो OS सिखा के आपको कंप्यूटर बनाना चलाना सिखा दूँगा, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग आपको सिखा दूँगा, ताकि आपका नेटवर्किंग लाइन क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊँगा कि आपका सर्वर बेस क्लियर कर दूँगा। सर्वर के बाद अब CCNA भी पढ़ेंगे, CCNA के बाद CCNA सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, जो कि अभी एक कंबाइन हो गया है, ठीक है, CCNA में ही सारा कवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद CCNP की भी कुछ क्लासेस लेंगे, ठीक है, फिर CCIE तक हम कंप्लीट आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें आपके लिए, और अच्छी से अच्छी वीडियोस दिखा सकें, ताकि आपको भी हम वीडियोस देख के कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ नॉलेज मिले आपको भी, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे, लव यू फन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।